बिग बॉस के घर के अंदर उर्फी जावेद आई हुई है। उर्फी जावेद ने आकर अपने बेबाक अंदाज में एक एक के मुंह पर उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। जैसा कि हमने आपको बताया, जिया शंकर को भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया था, थाली का बैंगन वगैरह वगैरह, तो वहीं फुकरा को उन्होंने डिफेंड किया। ये बात सुनने में आपको अटपटी लग रही होगी क्योंकि घर में जो भी आया है उसने पूजा भट्ट के ही गुणगान गाए हैं, लेकिन फुकरा को उन्होंने उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स वाली बात पर डिफेंड किया, जो कि फैंस को भी वाकई में अच्छी लगी। दरअसल उर्फी जावेद ने ये बात कही कि बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद जब मैं बाहर गई थी तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े और मेरा जो स्टाइल स्टेटमेंट था मेरे फॉलोअर्स की वजह से मेरे साथ आया, मुझे कॉन्फिडेंस मिला मेरे फॉलोअर्स की वजह से। जैसे जैसे मैं काम करती रही तो मेरी फॉलोइंग बढ़ी, मुझे कोई बहुत पैसा थोड़ी मिल रहा था, मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही थी, तो मेरे फॉलोअर्स ही मेरी जर्नी और मेरे कमाई सब वही थे। तो अब कहीं ना कहीं कोई पूछता है कि तुमने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, तो मैं भी अपने फॉलोअर्स की बात ले आती हूँ। तो अभिषेक का स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा था, क्योंकि हम लोग लाइफ में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हुए आए हैं और हमने उनको कमाया है, वो हमें खैरात में नहीं मिली, कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन्होंने पूजा की बोलती बंद कर दी, पूजा सकपका गई और है बह करने लग गई। और उर्फी जावेद इसके बाद एक के बाद एक तमाचे पे तमाचे मारती हुई नजर आई पूजा के मुंह पे, इस तरीके से बातों के तमाचे, रियल में नहीं मारा, हिंसा अलाउड नहीं है इसलिए। हालांकि उर्फी ने कहा कि मेरे को बहुत अच्छी लगी है फुकरा की जर्नी, क्योंकि एक इंसान के अंदर एंजल डेविल दोनों होता है, तो यहाँ पर फुकरा के अंदर ये सारी चीज़ें थी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, कैसा लगा आपको उर्फी का फुकरा यानी अभिषेक मल्हान को डिफेंड करना, कमेंट जरूर करें और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो को।